ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। शिव पुराण कह रही चढ़ाओ, शनि पत्र चढ़ाओ, बेल पत्र चढ़ाओ, काली तिल हो तो काली तिल जो आप चढ़ाते हो, जहां जहां जैसा जैसा विधान है, जो जो क्रम बताया है वैसा वैसा करो। पर निवेदन है, चढ़ाने के बाद उतारो भी, चढ़ाने के बाद उतारो भी, उसको एक पात्र में रख दो। पूरा की पूरा मत चढ़ाओ, थोड़ी सी काली तिल ही चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो। पंडित जी से कह दो ये रखा है, मूंग ज्यादा नहीं थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा। अब तुम्हें तो उंडे ले जाने, वो दूसरी आने पानी उंडे के चले जाने, भाई चिपक गई वो काली तिल्ली पूरी ऐसी। अब भगवान भगवान भी सोचे, बताओ जब 84 महादेव की यात्रा करी थी, जो लोग हमारे साथ में गए थे 84 महादेव करने के लिए दो एक साल पहले, तो उस समय पर सबको मालूम होगा कि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश नहीं दिया। जिस महादेव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो और वो पात्र शिव जी को छुआ दो, शंकर को छुआ। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ करे थे, हाँ उनको ज्ञात होगा, वस्तु चढ़ाई जरूर है पर शंकर को समर्पित जरूर करिए। तो फिर निवेदन करेंगे, आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं, पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से ही पोछा लगा, वहां कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भवानी आदि, वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहते ही नहीं। तो किसी ने पूछा, आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्धेश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को त्रिपति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का, तो अपन तो घर का लोटा से पानी भरते, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए, तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसे ही शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भंगी उसको, भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल ही कर देते। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। ये वो बटकेश्वर महादेव हैं, अदालत में केस चल रहा हो, कहीं कोई समस्या अड़ गई हो, तो दही का शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे कर कर जो पूजन कर कर उसका विसर्जन कर देता है, उसकी मनोकामना 3 माह में भगवान शिव पूरी कर देता है। बटकेश्वर महादेव, घर में क्लेश हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, लड़ाइयां हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, एक काली मिर्ची, एक लौंग शंकर भगवान को स्पर्श कराकर बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से डाल दीजिए, 15 मिनट में शांति हो जाएगी। इतने ही पति पत्नी में झगड़ा हो रही हो और पत्नी कितनी भी रूठ के चली गई, मनाने आ जाएगा वो, तुम तो बस एक काली मिर्ची लौंग डाल, बटकेश्वर महादेव। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, मई बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिवपुराण क्या करें कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा संवाद, शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए, चौखट में से शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर जल लेकर जब जाए तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है, मेरा ओघरदानी, मेरा शंभु, उसको आनंद में स्वीकार करता है। मैं यहां शंकर जी, वहां कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी ये बताओ, सत्यनारायण जी की कथा में लिखा हुआ है
कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा कराई और उसका ये हुआ, वो सही है कि गलत है, पहले लाग दिया, दूसरे में फिर उसने वो गया अलग कढ़ारा, उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी और सत्यनारायण जी की कथा सुनी, प्रसाद लिया, घर आया, लकड़ी बेचने गया, बोलो सही है कि नहीं, ऐसी है नहीं, हाँ, तो लकड़ी बेच के आया तो उसको अच्छा दुगना दाम मिला, उसने फिर सत्यनारायण जी की कथा कराई, फिर तीसरा अध्याय आ गया, उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी, लीलावती कलावती का संवाद आया, फिर चौथे में भी लीलावती कलावती का संवाद आया, वो कपति पानी में डूबने लगा, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाया, फिर पांचवें में राजा गया, सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद नहीं लिया, तो सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो गए। अब ये समझ में नहीं आई, ये पूरी पांच अध्याय में सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? पूरे पांच अध्याय में कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा कर ली, तो कथा कौन सी थी? फिर उन्होंने कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा कर ली, तो कथा कौन सी थी? लक्कड़हारे ने सत्यनारायण की कथा कर ली, कथा कौन सी थी? लीलावती कलावती ने सत्यनारायण की कथा कर ली, कथा कौन सी थी? राजा कथा का प्रसाद लिया, तो कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, कथा ये थी कि वो झूठ बोला ब्रह्मदेव और सत्य बोले मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण। जैसे ही भगवान शंकर सामने आए और ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चरण मिले, और भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव पहले तुम्हें बताओ सिर मिला, ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बोलूंगा पहले तुम बताओ तुम्हें क्या शंकर के चरण मिले, तब भगवान विष्णु उसी समय पर हाथ में कलश लिए, उस पे श्री फल रखा था, आम के पत्ते लगे हुए थे, और सत्यनारायण भगवान के सामने भगवान विष्णु के सम्मुख में वो कलश रखा था, और भगवान विष्णु कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव मैं जब नीचे तलातल रसातल में जाता गया, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा देवताओं ने मेरा आदर करा सम्मान करा और ये कलश मेरे हाथ में दे दिया, जिस पर श्री फल रखा हुआ है, जिस पर आम्रपत्र रखे हुए हैं, जिस पर सुंदर कलेवा बना हुआ है, ये कलश मुझे दिया और कहा ये कलश का जल आप शंकर को समर्पित करना, इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में कलश रखना जरूरी होता है, वो कलश मैं लेकर आया हूं और सत्य हूं, सुनो ब्रह्मदेव मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिव जी ने कह दिया बस यही सत्य नारायण है, ये कथा थी जो कराई थी। क्यों साहब एक बार सत्य बोल देते तो कुछ जाता, इसीलिए लोग मरने के बाद वो मुर्दा जो भाग नहीं सकता, वो मुर्दा जो मर गया सबको मालूम है उठ के नहीं जाएगा, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसे खींच खींच के बांधते हैं, अर्थी बांधने वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं, खींचो और जम के खींचो, उधर से खींचो, हम इधर से खींचो, खींचो, अरे भैया मर गया नहीं भागेगा, क्यों खींच खींच के बांध रहे हो? तो दूसरा बोला भग गया तो भगवान को तो कुर्सी भरना है, दूसरे को ले गया तो इसलिए इसी को अच्छे से ले जाओ, बांध बांध कर ले जाओ, बांध बांध कर लीजिए। और क्या चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है, राम नाम सत्य है, यही दुनिया के लोगों को ये माइक के द्वारा, ये आस्था चैनल के द्वारा, फेसबुक यूट्यूब के द्वारा इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, रे सत्य बोल लो रे, अभी भी मौका है, दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली बोलो ही मत, ही तुम तो डायरेक्ट बोलो राम नाम सत्य। मौसा जी ने, मौसा जी तो सोफा से नीचे, क्या राम नाम सत्य, शंकर जी के दरवाजे पर जाए पहुंचे, चिल्लाते चिल्लाते जा रहे बड़े प्रेम से, ओ हो शंकर भगवान तो नाचने लगे, पार्वती जी बोली काय को नाच रहे हो, शंकर जी बोले अपने घर में मेहमान आया है, भगवान के वो कहते कहते ला रहा है राम नाम सत्य, पर पक्का झूठेला है एक नंबर का, दुकान पे बैठा रहता था तो कहते घरे, और घर में आए कहीं का बेचारा मिलने तो कहते दुकान पे, और दुकान पे जाओ तो कहते बाजार गया, बाजार जाओ तो कहते वो तो अब भी गया, इतना झूठेला आदमी कहीं संसार में मिलेगा, ये तो नरक मिलेगा। शंकर भगवान बोले अपन को इससे मतलब नहीं, अपन तो वो राम नाम सत्य बोल के आ रहे, नहीं उसके चक्कर में नाच रहा है कि भले मर गया पर इतों के मुंह से राम राम तो खिलवा गया, भले मर गया पर जब टोक के ला रहे कंधे पर सब राम का नाम लेते लेते तो आ रहा है, बस यही जीवन की सत्यता है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा कि जीवन की सत्यता सत्य में, कि शंकर भगवान की सबसे सुंदर अगर कोई शिक्षा है, मेरे भोलेनाथ मेरे महाकाल राजा मेरे कैलाशी मेरे अविनाशी की सबसे श्रेष्ठ कोई शिक्षा है, और जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं देश में विदेश में जहां बैठकर कथा सुन रहे हो मोबाइल पर फेसबुक यूट्यूब पर,
आस्था चैनल के माध्यम से जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, शंकर की इस बात को अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। शंकर भगवान की सबसे बड़ी सबसे अच्छी एक शिक्षा है कि जहर पीना सीखो, जहर उगलना नहीं। क्या सीखना है हमको? जहर पीना, चाहे फिर वो क्रोध का, चाहे फिर वो हमारी अहंता का, चाहे फिर हमारी वो अभिमत्ता का हो, चाहे फिर हमारे एक अहम का, या फिर बुराई का, निंदा का, चुगली का, आदि आदि की जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब का जहर क्यों ना। बड़ा अनमोल है मानव का देह, बड़ी मुश्किल से तो मिलता है। 84 लाख योनियां काटने के बाद में जब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिला, ये दो हाथ पांव नयन श्रवण मुखाग्रविंद ये सब प्राप्त हुआ। और यदि हम उसको यूं ही गंवा दें, हम उसको यूं ही निकाल दें, तो फिर वो मिला काय के लिए था? मिला काय के लिए था? केवल उस परमात्मा को पाने के लिए। मिला किस लिए था? केवल उस परमात्मा को हमारे करीब में लाने के लिए। और मान लो मन चित्त वृत्ति थोड़ी भी गड़बड़ है तो फिर परमात्मा हमारे करीब में होगा क्या? अच्छा, एक बात और सरल भाषा में जानो, आप लोग कभी घर से बाहर निकले होगे? जितने भी कथा सुन रहे हो कभी तो घर से बाहर निकले होगे, कभी साथ में भोजन भी लेकर गए होगे अपनी गाड़ी में, टिफिन भी लेकर गए होगे अपने साथ में। तो आप जब भोजन ग्रहण करते हो, भोजन पाने बैठते हो, भोजन करने बैठते हो, तो क्या क्या चीजें देखते हो? जरा देखना, हरियाली है कि नहीं, थोड़ा हरा भरा हो, थोड़ा एक आध पेड़ मेड़ की छाया लगी हो। और अच्छा, पेड़ की छाया भी मिल जाए तुमको, हरा भला बगीचा भी मिल जाए, और पेड़ की छाया के नीचे किसी ने बहुत सारा पान खा के थूक रखा हो, तो तुम भोजन करोगे क्या? अरे बोलो तो, नहीं करोगे। अरे राम राम राम, इतना यहाँ 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 भोजन नहीं करेंगे हम नहीं करने वाले भोजन, चलो अगली जगह चलो। गाड़ी थोड़ी और बढ़ावा गया, फिर और आगे गए, तो कभी यहाँ कोई पेड़ ही नहीं मिल रहा। भले पेड़ नहीं मिले पर जगह तो अच्छी मिले जहाँ पर भोजन करे। फिर और आगे जाकर देखा तो फिर और कोई अच्छी जगह प्राप्त हुई जहां पर थोड़ी सी हरियाली थी, पानी भी था और थोड़ी भूमि थी, तो कहा अब यहाँ कर लो, भले थोड़ी धूप आ रही है चलेगा, पर जमीन अच्छी लग रही है, अब जहां भोजन करेंगे वहां अच्छा। किसी ने थूक रखा है, किसी ने गंदगी कर कर रखी है, उस जगह पर भोजन नहीं किया जा सकता। अच्छी जगह ढूंढोगे तब जाकर आप भोजन करने के लिए बैठोगे। जब श्रेष्ठ जगह आप ढूंढोगे, जब अच्छी जगह आप ढूंढोगे, तब आप भोजन करने के लिए बैठोगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कहीं जा रहे हो तो भोजन के लिए अच्छी जगह देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी संसार के मनुष्य को जन्म देने के बाद किसके दिल में, किसके मन में, किसके चित्त में, किसके हृदय में भगवान को आकर बैठना है, भगवान ये देखता है कि किसका मन साफ है। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों।